ड्रामा पार्टीज। यूट्यूब पे मेरे इस चैनल को देखने सुनने वाले मेरे ड्रामा फ्रेंड्स, मोन तवांग और अरुणाचल के विभिन्न हिस्सों का हो, चाहे भूटान के हो, चाहे सिक्किम के हो, उत्तराखंड के हो, हिमाचल के विभिन्न हिस्सों के हो, लद्दाख के हो या कहीं का भी हो, आप सबों को मैं तहे दिल से जुले तशी दिले नमस्कार कहता हूँ। चंद दिन पहले मैं अपने एक जो लद्दाखी चैनल है जिसका नाम लद्दाख थ्रू एजिस, इस चैनल में हिज होलीनेस सिख दलाई लामा गेलवा सांग ग्यासो के बायोग्राफी और उनका जो जिंदगी है उसके बारे में जो है एक वीडियो जो है बना के साझा किया था, जिसको बहुत सारे हमारे जो है लद्दाखी भाई बहनों ने विशेष करके और हिमाचल के और जो 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 लद्दाखी भाषा जो समझते हैं उन्होंने काफ़ी उसको पसंद किए हैं। तो उसके साथ साथ जो है जब मैंने जो है इसको कई जगह जो शेयर किए तो हमारे कुछ मोनपा ब्रदर्स और सिस्टर्स, कुछ सिक्किम से, कुछ हिमाचल के जो है लाहौल स्पीति किन्नौर कज़ा, इन हिस्सों से जो है मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने जो है मुझे सजेस्ट किया कि ऐसा लगता है कि आपने ये गलवा छाया गैसों के ऊपर जो वीडियो बनाया काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो इसको जो है आप जो है हिंदी में एक बना के अगर शेयर करें तो काफ़ी अच्छा होगा करके ऐसे सजेशंस मुझे आया। तो लिहाजा आज मुझे थोड़ा समय मिला तो मैं अपने टूटी फूटी हिंदी में हिज होलीनेस द सिक्स दलाई लामा गलवा छाया गैसों के जो है बायोग्राफी लेके जो है आप लोगों के सामने हाजिर हूं। देखिए आप और हम सभी जानते हैं कि दलाई लामा जो है का जो इंस्टीट्यूशन है वो फर्स्ट दलाई लामा गेदुन रूपा के टाइम से शुरू हुए और गेदुन रूपा जी जो है वो खमसुम छोर की गल्पो चौंखापा छिन्बो गलवा चौंखापा का जो है दो जो है मैन और प्रिय जो है डिसाइपल्स थे, आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स थे। उनमें से एक डिसाइपल गल्थप जे और खजडुप जे, ये दोनों में से जो है खजडुप जे का जो है डायरेक्ट डिसाइपल थे गेदुन रूपा और उनको जो है फर्स्ट दलाई लामा का जो है दर्जा दिया गया और फिर उसके साथ साथ जो है फिर सेकंड दलाई लामा जो है गेदुन ग्यासो, थर्ड दलाई लामा जो है सोनम ग्यासो और फोर्थ दलाई लामा योन्तान ग्यासो और ये योन्तान ग्यासो जो है मंगोलिया में पैदा हुए थे और बहुत ज़्यादा उनके लाइफ नहीं रहा है, वो सिर्फ 28 साल की उम्र में वो गुजर गए थे। और फिर फिफ्थ दलाई लामा जिनको हम द फिफ्थ ग्रेट बोलते हैं नवांग लोबजांग ग्यासो, बहुत ही फेमस और सबसे जो है फेमस दलाई लामा जो है फिफ्थ दलाई लामा रहे हैं। तो फिफ्थ दलाई लामा इसलिए फेमस रहे क्योंकि उन्होंने जो है पूरे जो है तिब्बत को जो है कंसोलिडेट किए थे और जो गेदन फोटंग फोटंग का कंसेप्ट जो तिब्बतन जो गवर्नमेंट है वो ही जो है जो हमारा गिलुकपा ट्रेडिशन है, गिलुकपा स्कूल है, रियो गेदानपा स्कूल है, उनके अंडर लाए और वो जो है फॉर्मली जो है सबसे जो है पावरफुल स्पिरिचुअल है एस फिफ्थ दलाई लामा और फिर टेम्पोरल हेड तिब्बत का जो है स्पिरिचुअल हेड और राजा भी जो है वही बने और उन्होंने जो है हमारे खाम आमदो फिर आपका ह्यू सांग और ये सारे जो है जो विभिन्न जो हमारे जो है सारी बारी वगैरह जो है जो साउदर्न तिब्बत है सबको कंसोलिडेट किए और एक गवर्नमेंट के अंडर लाया जिस गवर्नमेंट को जो है हम देबाजुंग बोलते थे उस टाइम और ये जो है गवर्नमेंट चलाने वाले गवर्नमेंट को जो है गदन फोरंग के नाम से जो है जानते हैं। इस प्रोसेस में जो है क्योंकि ये तिब्बत के जो है विभिन्न हिस्सों में गेलुकपा से जो पहले वाले जो है हमारे जो ट्रेडिशन थे तिब्बतन बुद्धिज्म के, जैसे निग्मा हुए, जैसे सरक्या हुए,
जैसे कारगिल हुए, फिर कारगिल में भी जो है कारगिल छः ही छून जाता थे, चार बड़े कारगिल और आठ छोटे कारगिल थे, उनमें कर्मा कारगिल, रूपा कारगिल, तगलुंग कारगिल, सुखसेब कारगिल, ठुफो कारगिल, थकपो कारगिल, इस तरीके से जो है जोनांग कारगिल, और इस तरीके से जो है चार बड़े कारगिल, थल्पा कारगिल, तगलुंग कारगिल, तो ऐसे आठ जो है बड़े, चार बड़े कारगिल और आठ छोटे कारगिल थे। फिर उसके अलावा सरकिया थे, निगमा थे, तो ये जो हासा से जो है दूर दूर जो है खाम ईस्टर्न साइड में, साउथ नॉर्दर्न साइड में, साउथ वेस्टर्न साइड में, जो इधर उधर ये जो डिफरेंट स्कूल फ्लोरिश थे, और हर जगह उनका जो पैटर्न्स थे, और पैटर्न्स को जो है अलग अलग जो है ट्रेडिशंस को जो है वो सपोर्ट करते थे, छोटे छोटे राजा टाइप के जो है स्कूटक थे, तो इन सब को जो है जब इकट्ठे करके कंसोलिडेट करके जो है गदन फोटंग जो गिलुकपा स्कूल है उनके हुकूमत के अंदर जब लाए, तो थोड़ा सा जो है टासल वगैरह रहा है, उन्होंने जो है रेजिस्ट किए, लेकिन फिर दलाई लामा जो है पावरफुल रहे, उन्होंने जो है एक उनका अपना जो है स्पिरिचुअली रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही अच्छे स्कॉलर, बहुत ही एक बहुत ही अच्छा मॉन्क, और फिर जो है एज अ टेम्पोरल हेड पॉलिटिक्स में भी जो है वो बहुत ही जो है सक्रिय रहा है और इंटेलिजेंट थे। इस वजह से जो है उन्होंने जो है तिब्बत को टोटली कंसोलिडेट किए और गदन फोटांग के अंडर लाया और गदन फोटांग का हुकूमत बनाया, जिसको जो है हम क्या कहते हैं, हम पोत का जो जो सरकार है, जो हुकूमत है उसके अंडर लाए गए। तो इस सिलसिले में जो है फिर दलाई लामा को जो है बहुत अच्छा जो है रिलेशनशिप, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी जो है मंगोल्स के साथ और फिर जो है चाइना के साथ भी जो है काफ़ी अच्छा डिप्लोमेसी उनका रहा। उनके जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम है उसको जो है अच्छी तरह से चलाने के लिए, जो है देवाजुंग को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए उन्होंने एक यंग, बहुत ही पढ़ा लिखा, एनर्जेटिक और बहुत ही रिलायबल एक ऑफिसर को जो है इन्होंने अपॉइंट किए, जिसको जो है प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो है उन्होंने अपॉइंट किए। उनका नाम जो है सिंगे ग्यासो था, जो खुद भी जो है बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, अपने रिलीजियस फिलोसफी, बुद्धिस्ट फिलोसफी में भी बहुत वो एक्सपर्ट थे। उसके अलावा वो जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत वो एक्सपर्ट थे। उसके अलावा जो है वो जो है लैंग्वेज में जो है तगिक सुन ये सुंगस्तक और इन सब में भी बहुत वो फेमस थे। उन्होंने सोवारिकपा को जो है बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने तिब्बत में जो है तरक्की दी, और पॉलिटिक्स में जो है वो बहुत ही जो है समझदार थे, बहुत शानदार थे उनका अप्रोच। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली उन्होंने जो है संगे ग्यासो को जो है बना दिया प्राइम मिनिस्टर, और फिर स्पिरिचुअली जो है वो खुद थे ही, तो ये दो कम्बिनेशन से जो है फिफ्थ दलाई लामा नवांग लोजांग ग्यासो क्या कहा जाता है कि द फिफ्थ ग्रेट। और उनके टाइम में जो है लद्दाख में जो है जंग उन्होंने लड़े लद्दाखियों से, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टोरी है। और सबसे बड़ी बात जो है फिफ्थ दलाई लामा ने जो है अभी का जो से पोताला, जो पोताला पैलेस है वो जो है 1642 में जो है पोताला का बनाना जो है फिफ्थ दलाई लामा ने जो है ऑर्डर किए और शुरू हुआ। तो ये बहुत सारे जो अचीवमेंट फिफ्थ दलाई लामा का कहा जाता है, इसलिए उनको ग्रेट फिफ्थ थे। लेकिन बदनसीबी ये हुई कि फिफ्थ दलाई लामा जो है 1682 में जो है अचानक वो जो है इस दुनिया से चल बसे, उनका परिनिर्वाण हुए। तो उस टाइम जो है तिब्बत में एक ऐसा टाइम था, स्पिरिचुअल और टेम्पोरल पावर तो जो है गदन फोटांग के थ्रू जो देवाजुंग था, जो तिब्बत सरकार था, उनके पास था ही, लेकिन जो बाहर से जो है अगर कोई उनके तिब्बत के ऊपर अटैक करते हैं, बाहर से किसी भी प्रकार का जो है लड़ाई का, जंग का, या बाहर के फोर्सेस आके जो है तिब्बत को जो है ऑक्यूपाई करने का अगर कोई
ऐसे हालत बनता है तो उसको डिफेंड करने के लिए जो है फिफ्थ दलाई लामा का जो है एग्रीमेंट था मंगोलिया का जो है एक के खुशी खेनेत जो एक ट्राइब है उनमें जो है घुशु खान जो है उनका जो है जो एम्परर मतलब राजा था उनके साथ जो है उनका बहुत अच्छा दोस्ती था और उन्होंने जो है पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखा था कि अगर तिब्बत में वेदन फोडंग के ऊपर किसी भी प्रकार का बाहर का आक्रमण वगैरह होता है तो उसका डिफेंस का जिम्मेवारी जो है ये जो है खुशित खेनेत के जो राजा घुशु खान के साथ जो है एग्रीमेंट था। और आप लोग जानते हैं ये दलाई लामा के जो जितने भी दलाई लामाज आए हैं उनका और मंगोल्स का जो है बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है और रिस्पेक्ट करते थे मंगोल्स। इनफैक्ट फर्स्ट दलाई लामा जो है घुशु खान के टाइम में जो है मंगोल विजिट किए थे और उन्होंने अस्तान खान थे उस टाइम फर्स्ट दलाई लामा के टाइम अस्तान खान ने फर्स्ट दलाई लामा को जो है मंगोलिया बुला के ले गए और फर्स्ट दलाई लामा गेंदुन डुपा ने जो है अस्तान खान को जो है बुद्धिस्ट बना दिए। तब से वो जो है जो टिबेटन जो दलाई लामा का जो इंस्टीट्यूशन है उसके साथ एसोसिएट हुए और बहुत रिस्पेक्ट करते थे। और फिर जो है थर्ड दलाई लामा ये जो सोनम ग्यासो वो भी विजिट किए मंगोलिया उस टाइम घुशु खान थे और घुशु खान के टाइम में जो है दलाई लामा का जो टाइटल है वो इनफैक्ट जो है मंगोल्स का दिया हुआ है दलाई लामा द ओशन ऑफ विजडम। तो इस तरीके से रिलेशनशिप थे। फिर मैंने जैसे बताया जो फोर्थ दलाई लामा है वो योन्तान ग्यासो तो जो है मंगोलिया में पैदा हुए वहाँ से रिकॉग्नाइज हुए हालांकि 28 साल में गुजर गए। तो फिफ्थ दलाई लामा जो है जैसे मैंने बताया नवांग लोजंग ग्यासो जो फिफ्थ ग्रेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि टिबेटन गवर्नमेंट का जो है मंगोल्स के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप और लिंक है। और फिर चाइना में जो है किंगाई जो सल्तनत थे उनका जो एम्परर्स थे उनके साथ भी जो है तिब्बत का जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत अच्छा रहा है। तो ये तीन जो है टिबेटन गेदांग फोडांग और मंगोलिया का जो है खुशुत खानेट का जो है जो राजा जो भी रहा है और किंगाई चाइना में जो है जो एम्परर रहा है इनका आपस में तालमेल से जो है फिफ्थ दलाई लामा जो है बहुत पावरफुल रहा है। तो जब ये सब चल रहा था लेकिन जैसे मैंने पहले बताया जो विद इन तिब्बत जो अलग अलग रीजन्स से जो है ये डुपा डिगुंग करग्यूत कर्मा करग्यूत और सग्या वगैरह के जो है जो पावर्स थे उसको जो है फिर दलाई लामा के टाइम में जो है उन सब को जो है पावर्स से आउट कर दिया बाहर कर दिया और तिब्बत को जो है पूरा एक अम्ब्रेला के अंडर गेदांग फोडांग के अंडर कंसोलिडेट किए। तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस और अंदर से खुश नहीं होना तो नेचुरल बात है स्वभाव से तो थोड़ा सा टासल रहते थे। तो जब अचानक 1682 में फिर दलाई लामा का जो है परिनिर्वाण हुए तो उनका जो प्राइम मिनिस्टर संगे ग्यासो ने सोचा कि अब इसको अगर मैं एक्सपोज कर दूंगा तो बहुत सारे जितने भी जो दबे हुए जो फोर्सेस है विद इन तिब्बत अम्दो साइड से खम साइड से आपके जो युसांग साइड से या हर जगह से जो भी जो है दूसरे जो छोटे मोटे जो है पावर्स थे वो लोग दोबारा उठेगा तो तिब्बत में जो है कैश होगा इसलिए जो है इसको तो जो है चुपचाप रहने से जो है अच्छा है एक्सपोज नहीं करने से अच्छा। दूसरा जो पोताला जो है जो पोताला पैलेस है वो भी जो है अभी कंप्लीट हुआ नहीं था वो बन ही रहा था तो उसमें भी जो है डिफिकल्टीज आना था कैश हो जाए अगर तो। और तीसरा जो है जैसे मैंने बताया ये 1679 में जो है एक मंगोल लामा जैसे सोपो गल्तान सेवांग के कमांडरशिप में अध्यक्षता में एक लड़ाई वहाँ भी चला हुआ था लद्दाख में जो काफ़ी देर तक चलते रहा है। और बाद में 1684 में जो मेरे गाँव का नाम तिमोसगंग है वहाँ जो है तिमोसगंग में एक ट्रीटी साइन हुए तिब्बत कश्मीर में मंगोल्स का जो राज था मंगोल तिब्बत और लद्दाख ये तीन लोगों के बीच में जो है एक ट्रीटी साइन हुआ है।
1684 में, जिसको तिमेजगम ट्रीटी के नाम से मशहूर है। तो ये सब भी चला हुआ था। तो इसलिए जो है ये जो प्राइम मिनिस्टर है संगे ग्यासो, इन्होंने बिल्कुल किसी को कानून कान खबर लगने नहीं दिया कि फिफ्थ दलाई लामा जो है परिनिर्वाण हुए, गुजर गए। और उन्होंने ये किया कि फिफ्थ दलाई लामा जो है अभी बहुत लंबे टाइम के लिए जो है रिट्रीट में गए हैं, साम में गए हैं, मेडिटेशन कर रहा है, इनसे किसी को कोई अपॉइंटमेंट और जलका वगैरह जो है नहीं होगा। तो ऐसे करके उनको छुपा के रखा। लेकिन चूंकि ये सिंगे ग्यासो को पता है प्राइम मिनिस्टर को दलाई लामा तो गुजर गए, अब उनका एक री इंकारनेशन भी तो रिकॉग्नाइज करना है, पता करना है। तो उन्होंने जो है एक अपना बहुत क्लोज सर्किट में जो है अपना बहुत ही ट्रस्टेबल, बहुत ही भरोसेमंद जो है लोगों का जो है एक ग्रुप बनाया। उनके थ्रू जो है इधर उधर कहाँ जो है ऐसे स्पेशल कोई बच्चा जो है जिसमें जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंस हो, सैम्बुल्स हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड हो, ऐसे जो है बच्चा कहाँ पैदा हो रहा है, एक सर्च पार्टी की तरह जो है उन्होंने बस अब तक जारी रखा ढूंढने के लिए री इंकारनेशन ऑफ फिफ्थ दलाई लामा। साथ साथ जो है दलाई लामा के जो है डेथ को उन्होंने छुपा के रखा। उसी समय जैसे मैंने बताया 1682 में फिफ्थ दलाई लामा गुजर गए, 1683 में जो है हमारे अरुणाचल प्रदेश के जो है जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है उसके अंडर जो है उर्गेन लिंग में जो तवांग के जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बिल्कुल एकदम नीचे है, वहाँ जो है उर्गेन लिंग में पिताजी का नाम ताशी स्तानजिंग, जो कि कहा जाता है कि उनका जो लिनेज है, उनका जो बुजुर्ग थे वो जो है तेतोन पेमा लिंगपा के जो है खानदान से जो है ट्रेस करते हैं। पेमा लिंगपा जो है बहुत ही पहुंचे हुए जो है महासिद्धा और तेतोन लामा रहे। पेमा लिंगपा का जो है छोटे भाई का जो है कुछ कुछ करके जो है उस ब्लड लाइन से जो है था, ये इनका जो है सिख दलाई लामा जो छंगा ग्यासो पैदा हुए उज्जैन लिंग में 1683 में। और ये टशी नुरबू जी जो है तेतोन पेमा लिंगपा के खानदान से थे लिंग, और उनके माता जी का नाम सेवांग लामो, और सेवांग लामो भी जो है कहा जाता है कि जो है उनका जो खानदान है अगर पीछे और जो है ट्रेस करें तो छोटा सोंगसम गाम्पो जो तिब्बत के जो है फेमस किंग सोंगसम गाम्पो, तिब्बत का बहुत फेमस तीन किंग गुजरे, छोटा सोंगसम गाम्पो, छोटा ठीटोंग देसन और छोटा ठीर रालपाचन। तो उसमें से सोंगसम गाम्पो का जो छोटा भाई के जो है खानदान से फिर जो है ये जो सिख दलाई लामा गेलवा छायांग ग्यासो का माता जी का जो है लिंग बताते हैं, और बैखर डहुंग में जो है ये छायांग ग्यासो जी जो है पैदा हुए 1863 में। मेरे ख्याल में 1 मार्च 1863 उनका बर्थ डे है जहाँ तक मेरा ख्याल है। जब वो जो है माँ के पेट में थे, अभी उनका माताजी सेवांग लामो जी प्रेग्नेंट थे, तो बहुत सारे जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइन सैम्बुल्स और चीज़ें हुए। बताते हैं फॉर एग्जांपल उनके माताजी जब अंदर पेट में जो है बच्चा था तो बाहर जाके जो है एक छोटा सा जो है ब्रूक है, और ब्रूक से जो है पानी आते हैं, पानी को जो है बैम्बू के वो जो पाइप से नीचे जो गिर रहा था पानी का धारा, जब उन्होंने जो है पानी पीने के लिए हाथ आगे किए तो पूरा ये जो है हाथ बार के जो है पानी के जगह जो है दूध आए, ये एक सैंपल था कोई ग्रेट पर्सनैलिटी पैदा होने का। और मेरे ख्याल में आज के डेट में भी जहाँ ये जो दूध जो माँ के हाथ में आए उस जगह को तवांग वाले जो छिकन करके जो है आज भी जो है वो दर्शन करने के लिए है जगह, ऐसे बताते हैं। फिर एक और जो है बहुत ही स्पेशियल जो है एक साइन ये भी था कि उनके माता जी जब मुंह धोने के लिए गए पानी में तो हाथ में ऐसे पानी उठाए तो एक बहुत बड़ा जो है बुलबुला जो है उठा पानी का बबल, उस बबल में से जो है के बीच से जब देखा तो सोने का एक जो है थंडर बोर्ड दोर्जर गैटम उसमें जो है उनको दर्शन हुए। पानी हाथ में पानी उठाए, पानी का बबल बन गया,
बबल के अंदर से जो है सोने का एक थंडर बोर्ड दुर्जय गैटम जो है दिखाई दे रहा है। ये भी जो है एक बात है। फिर तीसरी रात जो है जब वो अपने जो अभी उज्जैन लिंग जो गुम्पा है जो सिख दलाई लामा गिलवा सायांग ग्यासो के घर आज भी जो है वही है। उज्जैन लिंग दर्शन के लिए हम जाते हैं, जा सकते हैं आप लोग। तो वहाँ जो एक सीढ़ी के बगल में ही जो है एक बहुत बड़ा ओखली ओखली जिसको बोलते हैं ना हम कुछ कूटने के लिए बड़े पत्थर का जो एक ओखली बना था, उस ओखली में जो है वो जो है लाल वाला जो देसी चावल जो है कूट रहे थे। तो चावल कूटते कूटते अचानक जो है पत्थर से ही जो है पानी निकल आया अंदर से। ये भी एक जो है बहुत ही बड़ा साइन और सिम्टम, वो पत्थर अभी आज भी आपको देखने को मिलेगा। तो लिहाजा जो है ये सारे जो है और भी बहुत सारे जो है बताते हैं कि साइन और सिम्टम्स जो एक बड़े आत्मा को एक बड़े जो है लामा का पैदा होने का हुए और अल्टीमेटली जो है फिर बच्चा पैदा हो गया और उनका जो बचपन का नाम जो है उनका बचपन का नाम जो है संगे कुंद्रांग की कुछ आप मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, क्षमा करें, कुछ रखा था उनका। तो ये हुए जी। तो जैसे जैसे बड़े हुए वो अपने साथियों के साथ जब 4-5 साल का रहा तो खेलने कूदने का या आस पास पे, तो अभी ये उज्जैन लिंग जो गोम्पा है जहाँ दलाई लामा का फर्स्ट प्लेस है वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बताते हैं कि एक बहुत बड़ा जो है फ्लैट पत्थर है, बड़ा सा बॉर्डर, फ्लैट बॉर्डर, उसके ऊपर वो बैठते थे और बिल्कुल लोटस पोस्चर में बैठ के बहुत सारे मुद्रा बनाते हुए दूसरे बच्चों को जो नीचे रख के जो है मैं पहले भी जो है बहुत टीचिंग लोगों को देता था, मैं तुम लोगों को टीचिंग देता हूँ करके वो बच्चा जो है उधर बैठ के जो है मुद्रा हाथ के मुद्रा अलग अलग करते हुए जो है बच्चों को जो है वो टीचिंग देते थे। आप क्या टीचिंग देते थे वो अलग बात है लेकिन देते थे। और फिर उनके गले में जो है एक सुमा था, सुमा बोलते हैं हमारे मोनपा लोग और लद्दाखी लोग सुमा बोलते हैं, वो सुमा लगा हुआ था और कहा जाता है कि वो जो है पंजे लामा के जो है दिए हुए जो है सुमा थे। अब उस टाइम जो है तवांग से जो है तिब्बत लासा वगैरह बहुत सारे लामा लोग जाते होंगे, किसी ने लाया होगा फिर पंजन रिम्पोछे लोबजांग ईशे, फिर पंजन रिम्पोछे जो है लोबजांग ईशे थे। तो उनका वहाँ से लाए हुए एक सुमा जो है उनके गले में लगा था। तो उनके एक बहन ने, पता नहीं उनका अपना सकी बहन थी या कोई कजिन थे, एक लड़की ने जो है वो सुमा को पकड़ के तुम क्या यहाँ बैठ के रोज जो है पत्थर के ऊपर बैठ के बकबक करते हो करके, जब यहाँ इसको पकड़ के जब घसीटा खींचा नीचे की ओर तो वो लेट गए पत्थर पे, एक पत्थर पे। तो जहाँ लेटा कहा जाता है कि उनके जो चेस्ट और जो बदन का जो निशान जो है वो पत्थर में धंस गए, वो भी दर्शन के लिए वहाँ कहीं नज़दीक में है बताते, हमको दर्शन नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। और फिर उसी इलाके में ही एक पत्थर है कहते हैं जो लंबा सा और उसका जो एक फेस जो है मुख जो है वो एकदम लायन की तरह शेर की तरह है, और वो बच्चा जो है उसके ऊपर सवार हुए तो जो पत्थर जो है ऐसे ढोलने लगा बोलते थे जैसे उसमें जान आ गया। तो इस तरीके से जो है बताते हैं कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा जो दूसरे बच्चों से जो है हार्ट के वो बचपन से थे। और इसका चर्चा जो है जब चरुंग ओर चलने लगे लोग जो है इनका खबर जो है चरुंग ओर फैलाने लगे तो ये खबर जो है भूटान में भी सुनाई दिए कि तवांग में जो है उज्जैन लिंग में एक ऐसे बच्चा पैदा हुआ है जो बहुत ही यूनिक है, अलग प्रकार का है। तो उस टाइम में जो है भूटान में टुग्युर में भी जो है कोई एक बड़ा लामा जी का जो है ध्यान हुए थे, तो भूटान वाले भी जो है थोड़ा सा होशियार हो गए, चुपन्ना हो गए, कहीं हमारा लामा जी तो पैदा नहीं हुए उधर दोबारा। तो ऐसे खबर जो है फिर हसा जो है पोताला में प्राइम मिनिस्टर संगे ग्यासो को भी सुनाई दिया। तो उन्होंने फिर 1888 में जो है बहुत ही जो है सीक्रेट मिशन के तौर पे सोना से जो है दो लामा लोगों को जो है
तवंग भेजे देखने के लिए सायंग यासो कहाँ पैदा हुए कैसे है, क्या वो फिफ्थ दलाई लामा का री इंकारनेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि एक प्रेडिक्शन भी था किसी हा का था या किसी शुमा का था या जिसका भी था कि फिफ्थ दलाई लामा का री इंकारनेशन यंगशित जो है एक ऐसे जगह पैदा होगा जिसके लास्ट में जो है लिंग लगा होगा लिंग, तो अरुणाचल में माउंट तवांग में जो है उगेन लिंग सिंगे लिंग क्या वो तीन लिंग है, तो उसमें से उगेन लिंग में जो है ये पैदा हुए थे, एक तो ये हो गया। फिर 1688 में जब ये दो लामा जो है आए सोना से पता करने के लिए, वो जब चल पड़े और नजदीक में पहुंचने वाला होगा रास्ते में होगा, तो ये बच्चा खेल रहा था अपने साथियों के साथ, तो जो है एक जगह जो है उन्होंने ऐसे करके बोले लामा खेनो, मुझे जो है ढूंढने वाला मुझे ले जाने वाला जो है आ रहा है, उनको जो है पता चल गया। और वो जो लामा खेनो जो उनके मुंह से निकले कहा जाता है, तो उसी को जो है उन्होंने एक पत्थर के ऊपर जो है अपने उंगली से जो है लामा खेनो करके जो है लिखा, और कहा जाता है कि आज भी जो है ये लामा खेनो जो लिखा हुआ जो पत्थर है वो तवांग के जो है वही उज्जैन लिंग के नजदीक में कहीं जो है एक मंथन के रूप में है या कैसे है दर्शन के लिए जो है आज भी मौजूद है। तो फिर जो है वो दो लामा लोग आए, उन्होंने जो है ताशी नोरबू ताशी तंजी जो उनके पिताजी थे और माँ जो है सेवांग लामू, उनको रिक्वेस्ट किए कन्विंस किए, उनको देखा तो इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं था, बच्चे में ये सारे गुण थे। तो उन्होंने जो है उनको जो है रिक्वेस्ट किए कि आप लोग जो है चलिए, ये तो फिफ्थ दलाई लामा गेलवा सायांग यासो का जो है यंगशित है, आप लोगों को जो है तिब्बत चलना है। तो उस टाइम जो है माउंट तवांग से ल्हासा लगभग जो है अगर सीधा सीधा चले तो 7 दिन का जो है रास्ता बताते हैं, लेकिन ये बच्चा जो है अब 63 में पैदा हुए और 88 में जो है ये लोग लेने आए तो लगभग 4-5 साल का रहा होगा, और उनके माता पिता के साथ फिर ले कर चले गए इनको। और जाने से पहले जब वो लामा लोगों ने एक डंडा थमाया, इसको पकड़िए हमने बहुत लंबा सफ़र करना है रास्ते में काम आएगा, इस बच्चे को थमाया, तो उन्होंने जो उसी जो है डंडे को उसी लकड़ी को वहीं उज्जैन लिंग में जो है ज़मीन में गाड़ दिए पौधे के तौर पर लगा दिए और बोला अब मुझे जाना पड़ रहा है अपना वतन छोड़ के, लेकिन जब ये जो है एक विशाल पेड़ का रूप लेगा और इसके 3 शाखें होंगे, और जब ये 3 शाखें बराबर एक लेवल पे जब पहुंचेगा तो मैं जो है यहाँ उज्जैन लिंग में अपने फयुल माउंट तवांग में जो है मैं ज़रूर वापस आऊँगा, ऐसा करके जो है बच्चा चले गए उनके साथ। और फिर बहुत सारे कहानियाँ हैं रास्ते में, एक किसी एक पास ला पे पहुँचा तो वहाँ से जो है आखिरी बार जो है माउंट तवांग का दर्शन हो रहा था, तो वहाँ उन्होंने जो है पीछे मुड़ के देखे और एक पत्थर पे जब उन्होंने पाँव रखे तो उनका जबजे बोलते पाँव का निशान भी जो पत्थर में है और आज भी वो दर्शन के लिए कहते वो वहाँ है। फिर इनको लेके जो है अब सीधा ल्हासा नहीं ले गए, इनको सोना ले गए। अब सोना जो है तिब्बत और इंडिया के बॉर्डर पे ही जो है जास पार करके सोना में जो है उस टाइम जो है बुद्धिज्म वेल एस्टेब्लिश था, मेरे ख्याल में गेलुपा थे जो मोनास्ट्री नहीं तो कम से कम कोई अच्छे टेम्पल्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन रहे होंगे। सोना गोत्सा रिम्पोछे जो अभी कुछ साल पहले जो है परिनिर्वाण हुए वो वहीं के जो है लामा थे, उनके जो है कुछ तंपोंग ईस्पा सुपा जो भी था वहाँ थे। तो ये बच्चा और माता पिता को जो है वो सोना में ले गए, क्योंकि डायरेक्ट तिब्बत ले जाने से तो ये कौन है बच्चा, ये फिर दलाई लामा का रीन कर निशान में पहुँचने से तो फिर वो एक्सपोज हो जाना था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है फिर दलाई लामा के जो है डेथ को तो जो है सीक्रेट छुपा के रखा था, किसी को बताया नहीं था, और लोग सोचते थे कि फिर दलाई लामा जो है रिट्रीट में है मेडिटेशन में है उनका दर्शन नहीं हो सकता है।
लोगों को कन्विंस करने के लिए सुबह दोपहर शाम चाय खाना वगैरह भी जो है ले जाते थे किसी एक कमरे में, जहाँ सोने ने फिर दलाई लामा का जो है जो जिमशक था। तो इस तरीके से और बीच में जो है ये गोशु खान तो जो है गुजर गए। गोशु खान गुजरने के बाद जो है जो राजा जो बने, ये जो खैनिक का जो राजा बना मंगोल्स का, वो बने क्या बोलते हैं उसको, हसन खान। हसन खान बने, वो शायद गोशु खान का जो है पोता था हसन खान। और फिर दलाई लामा के बहुत अच्छे जो है मतलब पार्टनर थे वो, और हर जो है मिलिट्री अफेयर्स में जो है हसन खान जो है सुप्रीम कमांडर के रूप में जो है आते थे तिब्बत को प्रोटेक्ट करने के लिए। और उनका जो है बहुत ज़्यादा जो है गेदान फोडांग में या तिब्बतन गवर्नमेंट में या देवाजुंग में जो है उनका से था, उनका चलता था। तो ये हसन खान ने एक दफ़ा इंसिस्ट किया, मुझे जो है दलाई लामा से नवांग लोजांग व्यासो से मिलना है। फिर दलाई लामा से जो बहुत इंसिस्ट किए, तो कोई एक और लामा को जो है फिर दलाई लामा बना के ये सिंगे ग्यासो जो प्राइम मिनिस्टर ने जो है बेवकूफ़ बनाया था कहते हसन खान को, और एक टोपी पहना के उसमें आंखों में थोड़ा सा ऐसे करके जो है उसे थोड़ा सा ड्राग उसमें रख के बातचीत करके, मैं ज़्यादा जो है हिस ऑर्डिनेंस बात नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है मेडिटेशन में है, मौन में है, फलाना फिस्ताना बोल के बेवकूफ़ बना के जो है वापस भेजा था, ऐसा भी जो है एक जिक्र है कई जगह। तो ऐसा था। तो जब सोना में रहे तो सोना में जो है फिर प्राइम मिनिस्टर संगे ग्यासो जी ने बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स, बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर्स, खनपोस गेशेस ये सब जो है इनके एजुकेशन के लिए भेजे, और एजुकेशन जो है सोना में शुरू हो गया, जिसमें विशेष करके जो है लैंग्वेज तिब्बतन लैंग्वेज बौद्धिक उसके जो है तगिक सुनता ग्रामर, और जो है छाया ग्यासो को जो है स्यंगक पोएम लिखने में जो है वो बहुत शौकीन थे, स्यंगक में जो है वो बहुत इंटरेस्ट रखते थे। उसके साथ साथ दर्नोद सुम देने संज्ञा के जो नपा संज्ञा पे कादंग पंचोस जिसको बोलते हैं, उनका जो है बेसिक्स और बहुत कुछ जो है वो वहाँ पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, और सिक्रेसी में किसी को कर्ण कान पता नहीं कि फिर दलाई लामा का रीइंकार्नेशन जो सोना में पहुँचा हुआ है, रिकॉग्नाइज किया हुआ है, अंडर ट्रेनिंग है, कुछ नहीं, किसी को पता नहीं था कर्ण कान। फिर जो है 1686 में वहाँ से फिर जो है उनको शिफ्ट किए, कहाँ ले गए, ननकसे। ननकसे जो है फिर दलाई लामा का जो है से पोताला बनने से पहले ननकसे में वो रहते थे, वहाँ से जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। दलाई लामा फिर दलाई लामा ने जो है अपना जो है एडमिनिस्ट्रेशन और हेडक्वार्टर जो है से पोताला कब शिफ्ट किए बोलने से, मेरे ख्याल में 1644-45 कई किया होगा, जब फोटांग कार्पो जब बन गए तब जो है वो हेडक्वार्टर जो है शिफ्ट किए, और फिर दलाई लामा जो है से पोताला में रहने लगे। आपने देखा होगा पोताला पहला जो है उसका फोटांग कार्पो और फोटांग मार्पो दो हिस्सा है, एक रेड कलर में एक जो है व्हाइट कलर पे, तो व्हाइट पोर्शन बन गया था तब शिफ्ट हो गया, अभी रेड पोर्शन नहीं बना था उसके। तो इसलिए जो है ये गलवा सांग ग्यासो को अब जो है सोना से नंका से जो है शिफ्ट किए, नंका से जो है शिगाचे के बहुत नज़दीक थे, और शिगाचे कहाँ है बोलने से टशी लुम्बू के नाम, टशी लुम्बू क्या है बोलने से टशी लुम्बू में जो है फिर पंचेन लामा लोबजांग ईशे वहाँ रहते थे, और फिर ननकसे में जब पहुँचे तो फिफ्थ पंचेन लामा को जो है उन्होंने ननकसे ले गए, और गलवा छाया ग्यासो को जो है वहाँ जो है गेसुर की दोम्बा, जो गेसुर का जो दोम्बा होता है, गेसुर का जो शरमाना का जो भाव है वो जो है वहाँ एडमिनिस्ट्रेट किए,
और वो गेसुल बन गए। इसका मतलब फिफ्थ दलाई लामा का भी जो है ये फिफ्थ पंजे लामा ने भी जो है उनको रिकॉग्नाइज किए, ब्लेस किए कि हाँ ये फिफ्थ दलाई लामा का जो है यंगशित है। और उसके साथ साथ जो है फिफ्थ दलाई लामा गुजर गए हैं करके जो है सारा जो है जो सीक्रेट था वो जो है प्राइम मिनिस्टर ने एक्सपोज कर दिया। जब एक्सपोज कर दिए तो आप सोचिए तकरीबन जो है 14-15 साल पहले जो है फिफ्थ दलाई लामा गुजर चुके थे, इतने साल प्राइम मिनिस्टर ने जो है उसको छुपा के रखा, ना बड़े बड़े लामा लोगों को पता चलने दिया, ना जो है उनके जो है जो मिनिस्टर्स है उनको पता चलने दिया, ना जो है आम पब्लिक को पता चलने दिया। टोटली लोगों को जो है बिल्कुल ब्लाइंड करके 14-15 साल 1682 से 1696 इतने साल जो है छुपा के रखा। तो जब ये एक्सपोज हो गया तो बहुत हालचाल मच गए, बहुत सारे लोगों ने बोला ये तो बड़ा कमीना आदमी निकला, इसने ऐसा इसने किया कि इसने जो है फिफ्थ दलाई लामा गेलवा नवांग लोजंग कैसो के जो है अथॉरिटी से इसने जो है अपने आप हुकूमत चलाए, ये राजा बन के बैठे, इसने जानबूझ के जो छुपा के रखा। बहुत सारे लोगों ने जब उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिए कि क्योंकि पोताला नहीं बना था, वो नहीं बनना था, लद्दाख में जंग चल रहा था, उसमें मुसीबत आना था, अगर ये एक्सपोज कर देते तो मंगोल्स का रिएक्शन आता, चाइना का रिएक्शन आता, और ये तिब्बत के विभिन्न क्षेत्रों से जो है ये छोटे मोटे जो है जितने भी जो राजा थे, जियो पैटर्न्स थे, करगुप्पा का, निमापा का, सिरक्या का, इन सब का। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि फिर दलाई लामा जो है गेलुगपा के जो ट्रेडिशन है उसके साथ साथ निगमा का जो है बहुत फैन था और बहुत अच्छा जो है निगमा का जो है प्रैक्टिशनर थे, फिर भी जो है ऐसे थे हालात। तो ऐसे रिवॉर्ड होना था, एक भूचाल आ जाना था, अचानक हलचल मच जाना था, तिब्बत जो एकदम बिखरने का खतरा था, इसलिए जो है फिर दलाई लामा की अथॉरिटी को जो है लोगों के दिमाग में मेंटेन रखने के लिए मैंने तिब्बत के अच्छाई के लिए और भलाई के लिए जो है मैंने ये छुपा के रखा। ये जो है दलील संगे ग्यत्सो के पास था। तो बहुत सारे लोग कन्विन भी हो गए। तो लेकिन जो है आम जो पब्लिक है उनको तो अनशेकेबल फैद बेहद जो है दलाई लामा के इंस्टीट्यूशन में जो है शरदा थे। तो आम जनता बोलने लगे कि ये तो बहुत कमाल हो गया, जो तिब्बत का जो सूरज है, तिब्बत का जो रोशनी है, दिया है, वो बुझते बुझते जो है वापस आ गए और सुबह हो गए। फिर दलाई लामा खबर आ गया कि वो नहीं है और साथ ही जो है सिक्स जो है आ गए उनका यंगशित सरण ग्यत्सो के रूप में। तो लोग बोलने लगे कि सूरज जो है तिब्बत का फिफ्थ दलाई लामा डूबने से पे डूबते डूबते ही जो है नया सूरज भी उग गया सरण ग्यत्सो के रूप में। तो सब जो है खुश हो गए। और फिर जो है 1697 में जो है फॉर्मली गेदांग फोटांग ने ते पोताला में सिक्स दलाई लामा को जो है फिफ्थ दलाई लामा के ठी बोलते जो थ्रोन है ठी पे जो है एनथ्रोनमेंट हुए और वो फॉर्मली डिक्लेयर हो गया कि ये फिफ्थ दलाई लामा का री इंकारनेशन सिक्स दलाई लामा है। और ये जलवा संग्यांग ग्यासो ये नाम जो है फिफ्थ पांचेन लामा लोजंग ईशे ने दिए और वो तिब्बत का जो है टेम्पोरल हेड और स्पिरिचुअल हेड दोनों डिक्लेयर हो गए बन गए। अब उसके बाद जो है जब तक 18 साल था हुए सिख दलाई लामा तब तक तो जैसे तैसे चलने लगा, अभी चीज़ों को समझने में भी जो है वो समय लगा होगा। लेकिन दलाई लामा के अंदर ये संग्यांग ग्यत्सो के अंदर जो है दलाई लामा बन के जो है तिब्बत का जो स्पिरिचुअल हेड बन के जिस तरीके से जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ दलाई लामा और फिफ्थ दलाई लामा एक जो है मॉन्क के रूप में लामा के रूप में जो है जो शासन किए वो उनको पसंद नहीं था। वो हमेशा सोचता था कि ये जो कपड़ा है जो मैं अभी तो गेसुल हूँ, गेसुल के रूप में पैदा हूँ पहना हूँ और ये जो थ्रोन पे बैठा हूँ ये ठी पे दलाई लामा के, ये मेरे लिए बहुत बड़ा बंदिश है, ये मेरे जो है अपने इंस्टिंक्ट
अंदर के जो है जो मेरे फीलिंग्स है, मेरे आज़ादी है, इस सब को ये कार्टेल कर देगा, मुझे कन्फर्म कर देगा एक ठीक है ऊपर, और वो उनको मंजूर नहीं था। उनका जो है पक्षक जो था वो एक मॉम रहने का नहीं, एक लेमैन के रूप में जो है रहने का जो है उनका इच्छा अंदर से जग रहा था। तो जब 18 साल के वो हुए तब हिज होलीनेस 5th पंचेन लामा को भी जो है खबर लग गया कि ये जो 6th दलाई लामा है गेलबा त्सांग ग्यात्सो, ये अपने पढ़ाई वगैरह और जो रिलीजियस जो एक्टिविटीज है उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, जगह जगह जो है टीचिंग देने के लिए जाना है वो पोस्टपोन कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, ज़्यादा जा नहीं रहा है, अपने जो है फिलोसफिकल जो पढ़ाई है उसकी तरफ जो है ध्यान नहीं दे रहा है। और जो एक दलाई लामा के इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए एक स्पिरिचुअल हेड के रूप में उनका सोच, उनका किरदार, उनका अखलाक, उनका जो डे टू डे लाइफ में डीलिंग्स, उनका एक्सप्रेशन और उनका मिजाज, ये सब जो है एक लामा जैसा नहीं, एक लेमैन में ज़्यादा दिखाई देता था। तो इसलिए जो है पंचेन लामा ने जो है 1697 के आखिर में दिसंबर का महीना शायद रहा हो, तो उनको जो है टशी लुम्बू जो है रिक्वेस्ट किए कि योर होलीनेस आप टशी लुम्बू आए। उस टाइम वो 18 साल के हो चुके थे। टशी लुम्बू ये विजिट किए। टशी लुम्बू जाने के बाद जो है फिर पंचेन लामा लोजांग ईशे ने बोला आप 18 साल के हो गए हैं तो आपको जो है गेलोंगिस दोम्बा लेना चाहिए, फुली ऑर्डेन माउंस का जो है वाव आपको लेना चाहिए। बस यहाँ जो है गेलवा छायांग ग्यात्सो बिल्कुल बुरी तरह से अड़ गए और बोलने लगे कि बिल्कुल नहीं, मैं जो है एक लामा के रूप में जो है सिख दलाई लामा बन के नहीं रहना चाहता हूँ, मैं एक लेमैन के रूप में रहना चाहता हूँ, और मुझे जो है जो स्पिरिचुअल जो हेड के जो रोल है उसके साथ बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है, मैं सिर्फ टेम्पोरल हेड रहूँगा। इसलिए जो है गेलोंग का दुम्बा लेना तो बिल्कुल दूर रखिए, जो गेसुल का दुम्बा जो आपने मुझे दिया है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा ये दुम्बा वापस लिया जाए, मैं आपको जो है दुम्बा वापस देना चाहता हूँ, गेसुल का भी, मैं गेसुल भी नहीं रहना चाहता हूँ, मैं लेमैन के तौर पर रहना चाहता हूँ। तो इस पे जो है बड़ी सभी जो है बहुत मायूस हुए, लोगों का प्रतिक्रिया जो है अलग अलग था। अब फिर पंजे लामा के साथ कितने बड़े बड़े लामा रिम्बोचे कुशोक टुरकु खनपो जैसे राय होंगे आप सोच सकते हैं, टशी लुम्बू वो सब हैरान हो गए, ये क्या मतलब जो है बड़ा अजीब बात का है। और बहुत सबों ने जो है हाथ जोड़ के जो रिक्वेस्ट किए ऐसे मत बोलिए, ऐसा ट्रेडिशन नहीं है, फर्स्ट दलाई लामा से लेके जो है 5th दलाई लामा तक जो है दमेरा लमारा है, आप जो है सिर्फ टेम्पोरल हेड बन के नहीं रह सकते। जैसे पास्ट के जो जितने दलाई लामा जो है स्पिरिचुअल हेड रहे आपको स्पिरिचुअल हेड भी बनना होगा। लेकिन गेलवा त्सांग ग्यात्सो ने बोला सिख दलाई लामा हूँ मैं और गगन फोटांग के सीट पे बैठा हूँ, आप लोग जो है क्या ये मुझे हुकुम दे रहा है या सजेशन दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, और मेरा आदेश ये है, मेरा डिसीजन ये है कि मैं गेलोंग तो छोड़ो, मैं गेसुल भी नहीं रहूँगा, और मैं पंजेन लामा से जो है दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मेरा जो है गेसुल का दुम्बा जो है वापस लिया जाए। तो राजा था पंजेन लामा जो है सेकंड, दलाई लामा जो है फर्स्ट, हुकुम मानना पड़ा और उनको जो है गेसुल का दुम्बा जो है वापस लेना पड़ा। तब से जो है गेलवा त्सांग ग्यात्सो जो है लामा का ड्रेस छोड़ दिया और कॉमन मैन जिसको छुपा वगैरह बोलते हैं वो ड्रेस पहन के पूरा लंबा पाल रख के जैसे एक आम लेमैन रहते हैं उस ड्रेस में रहने लगे। और उसके साथ साथ उन्होंने एक हुक्म जारी किया कि मैं पोताला में भी जो है बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मैं यहाँ जो है नहीं रहना चाहता, मेरे लिए जो है बरखोर में जो है एक महल मकान बनाओ, महल बनाओ मेरे लिए, और बनाना पड़ा बरखोर में। बरखोर खोर मतलब पोताला को परिक्रमा करने के लिए, कोरा करने के लिए नंगस्कोर
छी स्कोर बिल्कुल बहुत बार से बरस्कोर करके जो मेडल वाला जो परिक्रमा का जो रास्ता था उसमें जो उन्होंने एक मकान बनाया, उस मकान का नाम जो है तोमजिक खान, तोमजिक खान करके दलाई लामा के लिए एक नया मकान बनाया नीचे। और फिर उनका जो है शौक ऐसा था कि उनको बहुत सारे दोस्त चाहिए, दोस्त में से भी ज़्यादा जो है लड़कियाँ चाहिए और लड़कियों में से भी ज़्यादा जो है खूबसूरत चाहिए। उन्होंने जो है पिकनिक मनाना है, उन्होंने पार्टियाँ करना है, उसमें पीवांग और म्यूजिक चलना है, डांस चलना है, ड्रिंक चलना है, अल्कोहल और बस। इसके जो है गिलवा छायांग ग्यासो जो है बहुत शौकीन थे। और फिर जो है पोताला में रहने से भी अक्सर वो पोताला के जो है बैक साइड में जो स्लोप है उसमें कुछ एक फ्लैट जगह भी थे, हरियाली थे, जंगल थे, घास थे, जो भी था उसके बीच में जो है वो तंबू लगाते थे और तंबू में वो रहते थे। और तंबू में रहते रहते जो है अपने मनपसंद जो है उनका जो है लड़कियाँ जो उनको पसंद आते थे, उनके गर्लफ्रेंड्स थे, उनको लाते थे, उनके साथ रहते थे, रात गुजरते थे और अगले दिन सुबह वापस जाते थे लड़कियाँ। मैंने बताया जब भी उनको समय मिलता था तो वो जो है हमेशा जो है पोएम लिखता था, पोएम सोम गुर। वहीं वो तंबू में जो है एक उनके गर्लफ्रेंड आए, रात को आए, रात भर जो है उनके साथ गुजरे बहुत रोमांटिक सीन में। सुबह हुए तो लड़की ने जाना था, छाया गया सो अभी भी सोए थे, लड़की उठे, बहुत सुंदर उनका जो है बाल था और बाल के उनके जो जुल्फे जो है ऐसे चेहरे के ऊपर आया था तो उन्होंने ऐसे जो है पीछे के और अपने जुल्फे फेंके, कपड़े पहने और जो जामो बोलते हैं ना कैप, ये कैन का कैप, वो गोल्ड कैप जो है लगाए। तो गिलवा छाया गया सो ने ओके तो अब जा रहे हैं, अच्छा से जाइए। और उनकी गर्लफ्रेंड ने बोला ओके बाय टेक केयर, अब अच्छे से रहिए। उसको जो है पोएम में ऐसे लिखा है पालो ग्याबला स्क्यूसो जमो उला ग्याबसो आले फेदांग चस्पा आले जुदांग चस्पा। तो ऐसे पोएम बहुत ही रोमांटिक पोएम ग्याबला छांगा ग्याबसो के जो है नायाब है, लोग पढ़ते हैं, पसंद करते हैं, पूरे तिब्बत में, पूरे हिमालयन रीजन में, चाइना में, चाइनीज में जो है ट्रांसलेशन हुआ है छांगा ग्याबसो के लव पोएम तिब्बतन में तो है ही, इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। और फिर जो है जो है पोताला है उसके नीचे नीचे जो है कुछ इलाके में जो है उसको तो ये सोल लिखा हुआ है, अभी इंग्लिश में सोल है या सोल है क्या है टिबेटन भाषा में इसका क्या मीनिंग है, मतलब जो है रेड लाइट एरिया है जहाँ जो है खूब जो है बार्स बहुत थे, खूब जो है अरक चलते थे, खूब छंग चलते थे और साथ साथ जो है वहाँ बहुत सारे लेडीज जो अपने चरितार को जो है छोड़ के तर तर करके अपने शरीर बेच के जो है पैसा कमाना, दौलत कमाना, ये एक पॉकेट था उधर बताते लिखा हुआ। तो अक्सर गिलवा छायांग ग्यासो उन भार्स में भी जाते थे और वो जो इलाका है उसमें भी जाते थे और जो रेड लाइट एरिया उस सोल में जो है जो कम करने वाले औरतों के साथ, लड़कियों के साथ, लेडीज के साथ भी जो है बहुत समय जो है वो बिताते थे। और साथ ही साथ उनके शौक में एक जो है तीर अंदाजी था, तीर चलाना जो है उनका बहुत शौक था। उन्होंने जो है घोड़े पे बैठ के जैसे दलाई लामा तो जो है उस टाइम जो है कहते हैं ना मतलब सोना चांदी और उसमें जो है बिल्कुल ऐसे बांध करके मूर्ति की तरह रखते होंगे ना, इसीलिए बोलते हंसे अभी या हंसे चो मांजा। हंसा से पोताला के नीचे पैदा हुए बहुत सारे लेडीज जवान बच्चियां बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, मर गए, लेकिन दलाई लामा का दर्शन जो है नहीं हुआ। ऐसे जो है दलाई लामा का जो है वैल्यू था उस टाइम। लेकिन ये सिख दलाई लामा छाया ग्यासो ने जो है घोड़े पे सवार होना बिल्कुल बात, एकदम पैदल गली कोचे हर जगह जो है पैदल जाते।
फिर दलाई लामा तक जो है लोग जो है पलकी पे उठा के गर्दन पे उठा के ले जाते थे दलाई लामा को, जो है पूरा वो कोशन तरयू मेंजे उसमें बांध करके पूरा जैसे दुल्हन ले जाते हैं। लेकिन जो है सिर्फ दलाई लामा ने बोला हटाओ इसको, बिल्कुल मेरे सामने दिखाई नहीं देना चाहिए पलकी पलकी। वो किसी भी टाइम जो है अपना मर्जी से जो है बाजार में भी जा जाते, गलियों में भी जा रहे हैं, कुचू में भी जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। और फिर बहुत सारे लड़कियों के साथ कॉन्टेक्ट उनका, जो लड़की जो है स्कूटर का फोन का सौदागर हो, जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हो, जो बड़े बड़े कमांडर्स हो, उनके लड़की हो, उनके वाइफ हो, जो उनको पसंद आया उनके साथ उन्होंने टाइम बिताया। और जिन जिन के साथ उनका जो है शारीरिक संबंध होते थे, दोस्ती होते थे, जिस घर में वो गए उनके साथ संबंध हुए, उनके साथ दोस्ती हुए, उस घर को उन्होंने हुक्म किया कि वो उस फलाने घर को जो है गोल्डन कलर बन, उसके छत को जो है गोल्डन कर दो, उस घर का जो है रंग जो है गोल्डन कलर कर दो, उसको खंगसेर। तो कहते उस जमाने में जो है लासा में जो है सिटी में बहुत सारे जो है मकान, ज़्यादातर बड़े बड़े मकान, उसका रंग जो है गोल्डन होते थे। और गोल्डन मकान होने का मतलब यह है कि उनमें जो है गलवा फणा गतों का एक गर्लफ्रेंड है उसके अंदर। वो कुछ कुछ जो है छुप के भी करते थे, कुछ कुछ ओपन भी करते थे। उनके पॉइंट्स में है मेरे जो है दो तीन चीज़ें बहुत बड़ी दुश्मन है। एक तो जो है ये जो बर्फ है, जो बर्फ गिरता है, दूसरा जो है जो गलियों में जो घूमने वाले जो कुत्ते हैं। बर्फ को दुश्मन क्यों बोले उन्होंने, वो चुपचाप रात को निकल जाते थे खांगसेर में अपने गर्लफ्रेंड के पास, और वहाँ रात बिता के जब सुबह आते थे जाते सामने तो ठीक है सूखा था, सुबह उठ के बाहर निकला तो देखा बर्फ पड़ा हुआ है। अब आना तो है अपने जो है तमजी खांग में वापस जू बरखोर में, तो जहाँ से वो आते थे तो बर्फ के ऊपर उनका पाँव का निशान होता था, वो सीधा खांगसेर से निकल के जो है तमजी खांग तक, और लोगों को पता चल जाता था कि ये गलवा साया गैसो जो है कल रात को गए होंगे उधर, सुबह देखो पाँव का निशान। एक दूसरा जो जब रात को निकलते या सुबह जाते थे उस टाइम में जो है जो उनके घर के आसपास जो कुत्ते होते थे वो घूमते थे, जब घूमते थे तो लोग चखते थे और देखते थे ये क्या हो रहा है, तो दिखाई देता था कि गलवा साया गैसो जी जो है आ रहा है, गलवा साया गैसो जी जा रहा है। तो इस टाइप के जो है उनके जो है एक जिंदगी रहा है गलवा साया गैसो का, जो कि ना जो है उससे पहले वाले किसी गलवा में रहे, और ना ही जो है सिक्स के बाद जो है 14 दलाई लामा हमारे जो है 14 दलाई लामा गलवा तंजिन गैसो हमीन नमडेन, यहाँ तक जो है साया गैसो जो है एक अलग से जो है दलाई लामा ऐसे गुजरे। तो ये सब जब चलने लगे तो कुदरती बात है आम जनता में से बहुत सारे लोग जो है उनको बहुत तत्पर करते थे, और उनको जो है उनका रोज दर्शन होता था, उनके साथ बात करता था, तो पसंद भी करने वाले बहुत थे। लेकिन कुदरती बात है गिरदान हो, आपका जो है सेरा हो, ठेपुंग हो, आपका जो है त्रशिलुम्बू हो, जहाँ भी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से बड़े बड़े मोनास्ट्रीज है उसमें जो है टुलकू लामा खानपो गेशे ये सब तो बहुत परेशान थे, ये हो क्या रहा है, क्या फिफ्थ दलाई लामा था, क्या ये है, ये कैसा है, क्या फर्स्ट दलाई लामा था, क्या सेकंड दलाई लामा था, क्या थर्ड था, क्या इवन फोर्थ था, मंगोलिया में पैदा हो गया फिर 28 साल की उम्र में गुजरे फिर ये क्या हो गया, ये क्या है, बहुत परेशान थे। लेकिन रिकॉग्नाइज जो है सिख दलाई लामा है, किसी का मजाक नहीं था मुंह पर। तो ऐसे करते करते रहे तो इंटरनली बहुत फ्यूड्स निकलना शुरू हो गया। उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया खाम आमदो यू संग ये सारे जो है आसपास और दूर दूर सेक्टर तिब्बत और आउटर तिब्बत में भी जो सेक्या का निगमा का करगुत का जो पहले जो है दबाया था फिफ्थ दलाई लामा के टाइम में जो है उनको जो है पूरा इग्नोर हो गए थे, गेलुप जो स्कूल है वो पावर में आ गए थे, तो उनमें भी जो है थोड़ा सा होने लगा कि तो बिल्कुल ड्रामा है और रिवोल्ट होने का ये होने का बहुत सूरत बन गया। तो जब ये खबर जो है
मंगोलिया में वहां का घनित ये हसन खान को जब पता चला तो हसन खान आए अपने फौज लेके तिब्बत में, बोला ये क्या ड्रामा रचा रखा है तुमने, शुरू से आखिर तक जो है तुमने ड्रामा रचाया, फिर दलाई लामा को जो है हमें बेवकूफ बना के तुमने 15 साल छुपा के रखा उनके डेड बॉडी को बिना अनाउंस किए, और उनका जो है रीन के नशा ना तुमने मंगोलिया से जो है चुने ना तुमने तिब्बत से चुने, तुम ये नकली जो है सिख दलाई लामा को उठा के जो है मोन तवांग से उठा के लाए, तुम तो जो है कतार है तिब्बत का, और ये जो गदन फोटांग के लिए तुम जहर है, तुमको जिंदा रहने का हक नहीं है, हम तुमको जो है खत्म करेंगे। तो ये हसन खान आके जो है जो प्राइम मिनिस्टर था सिंगे ग्यासो उनका कत्ल कर दिया, और सिख दलाई लामा को जो है थ्रोन से जो है उतार दिए उसने और जेल में डाल दिए गिलवा सांगा ग्यासो को, और एक देदोन दुदे करके कुछ ऐसे टाइप का नाम का जो है एक उनका नाम जो है छोएंग क्या, अब मैं नाम भूल गया, वो भी क्या ग्यासो है नवांग इशे ग्यासो, एक और टुलकू उसको जो है ये हसन खान ने जो है सिख दलाई लामा बना के एंथोनमेंट कर दिए, गदन फोटांग के जो है दलाई लामा के जो ठी है सीट है उस पर बैठा दिए उसने एंथोनमेंट कर दिया, असली दलाई लामा ये है कर दिया हसन खान ने, और छयांग ग्यासो को जो है जेल में डाल दिया, उधर से जो है उधर किंगाए जो है चाइना का जो एम्परर था वहाँ हालचाल मार दिया, जब खबर सुने कि ये हो रहा है वो हो रहा है छयांग ग्यासो तो जो है बड़ा अजीब है ये उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं, उनके जो है आदतें जो है बड़ा अजीब है यूनिक है वो लामा जैसा नहीं है, और फिर ये हसन खान आके जो है सिंगे ग्यासो को जो है कत्ल कर दिए, तो फटाफट जो है हसन खान ने चाइना में भी मैसेज भेजे कि ये तो जो है इसने ऐसे गद्दारी मचाया ये सिंगे ग्यासो और इसने ये एक नकली टाइप का एक अजीब सा जो है दलाई लामा का नाम लेके जो है बिठाया सीट पे, उसको मैंने उतार दिया है जेल में रखा है, अभी मैंने जो है इनको जो है दलाई लामा बना दिया एंथोनमेंट किया है नवांग इशे ग्यासो को, इससे आगे क्या करना है, क्या राय है, क्या करना चाहिए ये छयांग ग्यासो के साथ, क्या सुलोक किया जाए, आपका क्या राय है, तो वहाँ से मैसेज आया कि मैं हम कोई भी राय बनाने से पहले जो है हम छयांग ग्यासो से जो है बातचीत करना चाहेंगे, उससे बात करके जो है पूछना चाहेंगे कि ये सब कैसे हो गया क्यों किया, बिना उससे मिले बातचीत किए उसको एग्जामिन किए कोई भी डिसीजन हम नहीं ले सकते, ये किंगाए से जो है चाइनीज उसका जो वो आए आप जो है भेजो चाइना भेजो बेजिंग भेजो, ये जो है सिंगे ग्यासो को जो है जो हसन खान ने जो है कत्ल किए ये है 1706। अब इस टाइम जो है अगर हम कैलकुलेट करें क्योंकि 1683 में पैदा हुए थे छयांग ग्यासो 1706 24 साल के लगभग जो है रहा होगा यंग बिल्कुल जवान अभी बच्चा ही, तो उनको फिर जो है जेल से निकले और उनके जो है अपने जो पर्सनल कुछ बॉडीगार्ड्स थे पुराने उनको भी डाले, और हसन खान ने भी कुछ अपने जो है एस्कॉर्ट वगैरह फौज के साथ जो है उनको रवाना कर दिए चाइना की तरफ, जाओ अब चाइना के एम्परर से बात करो, इससे आगे तुम्हारा क्या होगा वही डिसाइड करेंगे, उनको भेजे तो वो चले गए, और जाते जाते जो है जब अमदो पहुंचा, अमदो जो है ईस्टर्न तिब्बत लगभग जो है चाइना और तिब्बत का बॉर्डरिंग खाम अमदो और खाम पहुंचे, तो वहां जो है 1707 में, ये 1707 का बात है, मेरे ख्याल में 15 नवंबर 1707 को जो है छयांग ग्यासो गायब हो,
अब छायांकर तो गायब होने के पीछे जो है अमदोस में गायब हुए, वहाँ संस्पोज मनपो करके जो है ब्लू रिवर बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या संस्पोज वहाँ है, उसके किनारे से जो है वो गुम हो गए बताते हैं, और आज तक जो है वो एक मिस्ट्री है, सीक्रेट है, गुमशुद है छायांकर को। बहुत सारे लोग कहते थे कि वो तो जो है बीमार होके जो है उनका जो है परिनिर्वाण हुए, गुजर गए, और बहुत सारे लोगों का कहना है कि उसको जो है हो ना हो साजिश करके जो है एल हजम खान वगैरह ने जो है मार डाले उनको। और एक बहुत सारे लोगों का सोचना है कि ना वो जो है बीमार होके मारे, ना हजम खान ने के जो है गार्ड्स ने मारे, ना चाना ने मारे उनको, तो जो है उस टाइम जो है आमदो वगैरह में ये सेक्या और ये कारग्यू जितने भी जो है उनके जो मोनास्ट्रीज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और पैटर्न थे, उन्होंने उनको जो है सहायता दिए, उन्होंने उनको शेल्टर दिए, छुपा के रखे, वो वहाँ जिंदा थे। ये दो तीन जो है थ्योरीज है थांगांग्यात्सो के बारे में, लेकिन असली क्या है वो आज तक जो है क्लियर नहीं है। बहरहाल हकीकत यह है कि 1707 के बाद जो है जलवा थांगांग्यात्सो जो है गुम हो गया। अभी जितने भी दलाई लामा है फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक, उन सब का प्रति शरीर जो है उनका जो है स्कुदुंग जो है वो से पोताला में है, लेकिन थांगांग्यात्सो का स्कुदुंग से पोताला में नहीं है, और ना ही जो है आमदो में है, ना ही खाम में है, ना ही कहाँ है, आज तक जो है उनका स्कुदुंग का यहाँ जो है वो गुजरे थे, यहाँ जलाया था, यहाँ ये किया था, नहीं पता नहीं। तो ये एक मिस्ट्री है थांगांग्यात्सो के डेथ के बारे में। तो अब थांगांग्यात्सो का जो है बहुत सारे पोएम है, जैसे मैंने पहले बताया था संगमर में जो है उनको बहुत इंटरेस्ट था, लिटरेचर में उनको बहुत इंटरेस्ट था, लिखाई पढ़ाई में, और विशेष करके जो है ग्रामेटिकली बहुत अच्छा था उनका कमांड। तो थांगांग्यात्सो का दो प्रकार के जो है कहते हैं जो है सोम यानी कि सॉन्ग्स पोएम्स मिलते हैं, एक लव पोएम्स जिसको थांगांग्यात्सो बोलते हैं, और दूसरा जो है पॉलिटिक्स के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, रिलीजन के बारे में, सोशल उसके बारे में, इकोनॉमिक चीज़ों के बारे, इकोनॉमी के बारे में जो उन्होंने सोम लिखे हैं, पॉइंट लिखे या लेख लिखे हैं, वो सब गलवा छांग कबूम करके जो है बहुत लंबा बहुत सारे जो है लिटरेचर आज भी जो है बिल्कुल इंटेक्ट हम सब को पढ़ने को लिखने को मिलते हैं देखने को। तो और फिर जो है एक पोएम में उनके जो है ये थांगांग्यात्सो कंबूम में जो है एक पोएम ऐसा है कहते हैं कि कोई भी ऐसा रात नहीं गुजरा जब मैंने एक लड़की के साथ ना सोया, और कोई भी ऐसा एक रात नहीं गुजरा जहां मैंने अपने जो है जो मर्द का जो जो पीछे जिससे बच्चा होता है ठिकले का को उसको जो है किसी औरत में डाला, यानी कि जो है इससे इंडिकेट ये होता है बताते हैं कि वो जो है एक बहुत ही बड़ा जो है डुप्थुप थे जिनको जो है अपने थिगले और जो सेक्सुअल एक्ट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉमन थे, और जितने भी जो है जो औरतें जिनके साथ वो संभोग करते थे संबंध रखते थे वो सब जो है खंडोमा हो सकता है। और ये जो दिखा रहा है जो कार्य है वो जो है एक क्रेजी विजडम बोलते हैं ना डुप्यून उस टाइप का कोई लक्षण है थांगांग्यात्सो जो है बेशक लामा के रूप में नहीं रहा है लेकिन हकीकत में जो है वो एक बहुत बड़ा डुप्थुप थे। बहुत सारे लोगों को इस नजरिया से भी जो है श्रद्धा आज के डेट में भी है मानते हैं। और एक कमाल जो है उनका ये है लास्ट में ये जानना बहुत जरूरी है, जब उनको जो है रासा से उठा के जब ले जा रहे थे चाना की तरफ उन्होंने एक पोएम जो है ऐसा लिखा हुआ है चाहते ठुंग ठुंग कर पो मारा शोक था लिया था तकरीबन ज्ञान ना मिलो लिथांग
लिथम खोरना लेभ्यों कुछ ऐसा है चाते ठुंठुं कर्मो नारा शोक्सल हियरदं चा ठुंठुं कर्मो द वाइट क्रेन प्लीज लेंड मी योर विंग्स टू मी आई वांट टू फ्लाई नॉट वेरी फार आई डोंट वांट टू फ्लाई वेरी फार आई विल जस्ट फ्लाई अप टू लिथम एंड देन आई शैल कम बैक। ये जो है इनका जो पोएम है और बाद में जो है जो सेवन दलाई लामा है वो लिथंग में पैदा हुए तो उनका इंडिकेशन ये था कि अब मेरा जो है जाने का टाइम आ रहा है मैं फ्लाई करना चाहता हूँ मैं जाना चाहता हूँ इस दुनिया को तैरना चाहता हूँ लेकिन मैं बहुत दूर नहीं जाऊँगा मैं लिथंग जाऊँगा और लिथंग से वापस आऊँगा। कहने का मतलब जो है मैं यहाँ से जाऊँगा नेक्स्ट लाइफ जो है मेरा जन्म जो है लिथंग में होगा और फिर सेवन दलाई लामा के रूप में जो है मैं वापस आऊँगा मैं दूर नहीं जा रहा। तो जिस टाइम उन्होंने ये पोएम लिखे थे बताए थे उस टाइम तो लोगों ने इतना ध्यान दिए नहीं लेकिन बाद में जब सेवन दलाई लामा लिथंग से जब लिथंग में पैदा हुए वहाँ से रिकॉग्नाइज हुए तब इनका जो है ये जो चा ठुंठुं कर्मो वाला जो 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 पोएम है एक्सटेंजा है उसका मीनिंग जब निकले तो ऐसा बनता था कि वो छाया या सोच जानते थे उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ से मेरा जाने का टाइम आ गया अब मैं जो है लिथंग में जाऊँगा लिथंग में मैं पैदा होगा और फिर वापस आऊँगा। तो ऐसा जो है उनका जो पोएम है बता। तो ये संक्षेप में जो है जो कुछ सिक्स दलाई लामा के बारे में जो है मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए है बहुत सारे सोर्सेज से मैंने बहुत जो है इसके ऊपर रिसर्च किया अपने तरफ से लेकिन एक तो जो है मेरा हिंदी जो है बहुत टूटा फूटा है और दूसरा जो है लैंग्वेज का जो है बहुत लिमिटेशन है क्योंकि जो है टिबेटन वाला पार्ट जो है जब हिंदी में जो है ट्रांसलेट करते हैं तो उसके बहुत सारे चीज़ें जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक्सप्लेन करने में सटीक जो है वोकैबुलरी जो है आसानी है फिर भी क्योंकि गवाछांग ग्यात्सो का जो है बायोग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग है विशेष करके हमारे बोनपा ब्रदर और सिस्टर तो जो है बहुत अच्छा जानते होंगे इनके बायोग्राफी और छायांग ग्यात्सो के बारे में उनका वही जो है पैदा हुए है। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज मैं भूल गया अब जो एक जो डंडा उन्होंने जो है एक पेड़ बनेगा जिसके तीन शाखे होंगे वो तीन शाखे जब बराबर होगा तो मैं फिर वापस तवांग वापस आऊँगा मोन्यूल। तो बताते हैं कि 1959 में जो है ये बिल्कुल तीन जो है शाखे उससे थोड़ा पहले 1959 से पता नहीं किसी एक ईयर में ये शाखे जो है बराबर हो गया लोग बहुत खुश हो गए हो सकता है दलाई लामा जो है तवांग आए। और फिर एक तूफान पता नहीं क्या आया वहाँ किसी एक साल में जो उसका एक ब्रांच जो है टूट के गिर भी गए लेकिन जैसे सिख दलाई लामा का प्रिडिक्शन था प्रॉमिस था मोनपा लोगों के साथ कि मैं किसी न किसी दिन वापस आऊँगा 1959 में जब तिब्बत के ऊपर चाइना ने आक्रमण किए कब्जा किए और 14 दलाई लामा जब वहाँ से भाग के कहाँ से आए थे वो छिंजामानी चुना तो पोखर जहाँ से भी आए आए और तवांग में जो विजिट किए जो छाया ग्यात्सो ने जो बताए थे प्रिडिक्ट किए थे कि मैं आऊँगा सिख दलाई लामा 14 दलाई लामा के रूप में बेशक बिना किसी शक व शुबा के जो है तवांग में जो है उनका शरण पदर और तवांग वालों को जो है अपने छाया ग्यात्सो का 14 दलाई लामा के रूप में जो है दर्शन हुए ना सिर्फ तवांग वालों को बाकी सारे हम हिमालयंस जो इतने लकी है आज इस होलन दलाई लामा का टीचिंग हमको सुनने मिल रहा है उनका दर्शन जो है बार बार हमें मिल रहा है जो तिब्बत में रहते हुए नामुमकिन था दुर्लभ था लेकिन आज हमको जो है इस होलन दलामा लामा का ब्लेसिंग्स बहुत दफा हर जगह तवांग हर जगह जो है लद्दाख का तो क्या अभी 10 तारीख को जो है 10 जुलाई को फिर इस होलन लद्दाख जा रहा है वहाँ टीचिंग्स का प्रोग्राम। तो ये जो है स्टोरी है तो मैं यहीं रखता हूँ इसको इसमें कमी पेशी अगर कोई तथ्य गलत या मेरे बोलने के ढंग में जो है कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो आपको जो है घबरा ना हो अच्छा ना लगे मैं हर किसी से क्षमा याचना चाहता हूँ।
और मैं अपने धर्म ब्रदर और सिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे ये चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर इससे आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत अगर YouTube की तरफ से इनकम होता है तो यहाँ गया के नज़दीक में खेराती एक गाँव है, बहुत ही गाँव है जुब्बरपट्टी, उसके जो वहाँ के जो है गरीब बच्चों के लिए मैंने एक हमारे कुछ अच्छे दोस्तों के सहायता से स्कूल खोल रखा है, उनको कुछ ना कुछ मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ। तो ये इनकम अगर हुई तो उनके भलाई में जाएगा, तो एक तरीके से जो है आप लोग भी जो है मेरे इस अच्छे कार्य में हिस्सादार बनेंगे, जुड़े रहेंगे। तो चैनल को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रशीद अलेक साहब को जुड़े।